नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल पर आज हमारे साथ विमल मिश्र हैं और विमल जी हमारे पुराने मित्र भी हैं, आप सभी के परिचित स्तंभकार हैं। लंबे समय तक नवभारत टाइम्स में काम करने के बाद अब स्वतंत्र रूप से लिखते पढ़ते हैं और मुंबई इनका प्रिय विषय है, लेकिन एक विषय जो इनको बहुत ही प्रिय है और जिसके बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि बहुत बड़े सिनेमची हैं। सिनेमची जब मैं कह रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे, इनको सिनेमा का नशा है और ज़बरदस्त नशा है, और जिसके लिए मैं इनका मुरीद हूँ और इनसे जानकारियाँ हासिल होती हैं जब भी मुलाकात होती है। और यह सिलसिला लंबा चले, मैं भी चाहूँगा कि आपके साथ भी ये मुखातिब हों और अपने कुछ अनुभव शेयर करें। तो विमल जी, आपका स्वागत है सिनेमा हॉल पर। और मैं चाहूँगा कि सिनेमा से अपने प्रेम की शुरुआत आप बताएं कि कैसे इस सिनेमा ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया। सिनेमा में भी विदेशी सिनेमा जिसे बोलते हैं वो मुझे बहुत पसंद था और इसका शौक मुझे लगा मेरी पढ़ने की आदत से। बचपन से ही मैं दिनमान पढ़ता था और दिनमान में विदेशी सिनेमा के बारे में एक स्तंभ होता था। जब भी यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल वगैरह होता था, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के निर्देशक लोग आते थे, उनके इंटरव्यूज़ चलते थे। इस तरह से मुझे निर्देशकों से परिचय हुआ और उनकी बनाई फिल्मों से परिचय हुआ। तो ये मेरे विदेशी विश्व सिनेमा से जो मेरा जो साबका पड़ा वो इस तरह से पढ़ कर पड़ा। दिनमान के बाद मैंने जो है, जब मैंने ग्रेजुएशन किया और फिल्म नगरी में ही आ गया, मुंबई में ही आ गया, तो जो पत्रकारिता की शुरुआत मेरी जो हुई वो आप कह सकते हैं कि फिल्म पत्रकारिता से हुई। मैं रिपोर्टर था, लेकिन जब मैं शाम को फ्री होता था तो जो हमारे फिल्म के जो जिम्मेदार लोग होते थे वो मुझे कहते थे, विमल खाली हो तो तुम चले जाओ, आज वो फिल्म का प्रीमियर है या वहाँ पर कोई उसका शो रखा है, चले। तो इस तरह से मैं जाता था, फिल्म पार्टी से मेरा परिचय हुआ। लेकिन फिर कुछ व्यक्तिगत मेरी आदतें थी कि मुझे उस तरह के शौक नहीं थे जो फिल्म पत्रकारों को होते हैं, इसकी वजह से मुझे जो है असुविधा होने लगी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिल्मों का शौक मेरा बराबर रहा और इस तरीके से वो बढ़ा। जो सिनेमा का शौक है उसको एक व्यवस्थित रूप कैसे दिया जाए, ये तो कभी किसी ने आपको सिखाया होगा? किसी ने, कोई भी नया व्यक्ति जो सिनेमा देखता है वो सिनेमा को एक पाठ की तरह, सिनेमा को एक गंभीर विषय की तरह कैसे ले? क्योंकि अमूमन भारतीय समाज में अभी भी माना जाता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है। शुरुआत तो इसी तरह से मैंने की कि मनोरंजन के माध्यम के रूप में मैंने देखा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें गहरे बैठता गया तो मुझे पता चला कि ये तो एक समुद्र है और हिंदी फिल्में या भारतीय फिल्में देखने से मेरी क्षुधा की तृप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार भारतीय फिल्में विदेशी सिनेमा से, सिर्फ तकनीक को छोड़ दीजिए, बाकी हर क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। अब तो ऐसा हो गया कि मैंने इतनी फिल्में देख ली कि अब मैं किसी पिक्चर को देखता हूँ, उसके डायलॉग को देखता हूँ या पढ़ता हूँ, या यहाँ तक कि उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक या उसका म्यूजिक स्कोर भी मेरे ध्यान में आता तो मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं से उठाया गया होगा। और इससे, इस चोरी की प्रवृत्ति से मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे जो बड़े बड़े निर्देशक हैं वो भी नहीं बचे। कोई एक ऐसी विदेशी फिल्म बता सकते हैं जिसने आपको सबसे पहले झकझोर दिया हो या बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? नवभारत टाइम्स में जब मैं आया तो रिपोर्टर बना, रिपोर्टर के दौरान मुझे जो एक बीट दी गई करने की वो थी डिफेंस। बाद में मैंने डिफेंस में वार करेस्पॉन्डेंट कोर्स भी किया, सारे देश के अग्रिम मोर्चों पर गया, सेना के बड़े बड़े लोगों से मैंने इंटरव्यू किए, रक्षा मंत्री का मैंने इंटरव्यू किया, तो रक्षा के प्रति मेरी अभिवृत्ति थोड़ी सी बढ़ी। तो शुरुआत जो मेरी हुई वो वार फिल्म्स देखने से हुई। वार फिल्म देखिए, आजकल माहौल भी फिर से वार जैसे ही माहौल है, ये रूस और
रूस और यूक्रेन के साथ जो चल रहा है, तो इस तरह की पृष्ठभूमि की जो मैंने फिल्में देखी हैं, इन फिल्मों को मैंने कंपेयर किया हमारे यहाँ जो वार मूवीज हिंदी में बनी हैं, तो मुझे लगा कि कितना फ़र्क है। तो इस तरह से शुरुआत हुई, इस तरह से शुरुआत हुई। बाद में ये शौक़ मेरा परवान चढ़ा जब 2001 में मैंने एक बड़ा सा थिएटर सिस्टम ख़रीदा और फिर मैंने डीवीडी कुछ खरीदे और फिर उसको देखना शुरू किया। जब देखना शुरू किया तो फिर मेरा कलेक्टर का शौक़, मतलब संग्राहक के रूप में मैंने फिल्में जब मैंने कलेक्ट करने शुरू की और फिर उन्हें देखना शुरू किया तो यह परवान चढ़ा। और आज मेरे पास करीब 20,000, विश्व सिनेमा की 20,000 फिल्में हैं सर्वश्रेष्ठ। और ये मैं खाली मैंने कलेक्ट ही नहीं किया, मैं लगभग एक से दो फिल्में रोज़ देखता हूँ, करीब 15-20 वर्ष से कम एक या दो फिल्म रोज़ देखता हूँ। और मेरे पास करीब 30 TB की हार्ड डिस्क हैं जिसमें कि ये सारी फिल्में सुरक्षित हैं सब टाइटल के साथ। इसकी DVD क्वालिटी तो अब आगे की बात हुई, ब्लू रे क्वालिटी में सब टाइटल और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मैंने रखा है। यदि आप मुझसे कहेंगे कि कौन सी फिल्म कहाँ है तो मैं आपको 5 मिनट में निकाल के दे सकता हूँ। इतनी सारी फिल्में देखना, उनको याद रखना और उनके बारे में बातें कम करते हैं आप, सार्वजनिक तौर पर तो नहीं करते हैं जी। और ये पक्ष आपका अभी तक सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं हुआ है। मुझे लगता है कई बार कि आपको सिनेमा पर भी लिखना चाहिए और विदेशी सिनेमा पर तो ज़रूर लिखना चाहिए। मेरा एक मर्म पर आपने प्रहार किया है ये बात पूछ करके। दरअसल पिछले 8-10 वर्ष से ये दबी दबी ख्वाहिश मेरे मन में ज़रूर है कि मैंने जो भी देखा है ये हमारे हिंदी दर्शक तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि वो समझे कि ये कितना बड़ा महासागर है जिसमें कि गोते आप खाते रहें और आप उसके तह तक जा नहीं सकें। मेरे बहुत दिली इच्छा है कि मैं करूं, और इस दिशा में इस कोरोना काल में मैंने कुछ कोशिश की थी। कोशिश इस तरह से मैंने की थी कि मेरे पास फिल्में तो ऑलरेडी हैं, मैंने आपको बताया, मैंने ऐसी फिल्में निकाली जो कि विश्व की जो प्रमुख मैगजीन्स, प्रमुख वेबसाइट्स फिल्म से रिलेटेड, जिन्होंने उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में आपका है, जैसे IMDB है, टाइम्स है, न्यूज़वीक है, साइट एंड साउंड है ना, इनमें किसी ने 100 फिल्मों की लिस्ट बनाई है सर्वश्रेष्ठ विश्व के सिनेमा, किसी ने 250 की, किसी ने 400 की और किसी ने 1000 की। तो ये सारी फिल्में इस 2 साल में, बल्कि 6 महीना पहले तक आप कहिए कि 1.5 साल में मैंने देख डाली। कुछ फिल्में डॉक्यूमेंट्री भी थी, कुछ शॉर्ट भी थी, लेकिन मैंने देखा। कुछ फिल्में बहुत एकेडमिक लेवल की थी लेकिन मैंने उनको भी देखा। तो ये देखने के बाद मेरा विजन बढ़ा कि मुझे मेरी ये इच्छा जाहिर हुई, और करीब आप कहिए कि 6 महीने पहले तक तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मेरी अगली किताब इसी पर होने जा रही है। लेकिन फिर वो कुछ इस तरह की चीज़ें चली, कुछ व्यक्तिगत परेशानियाँ बीच में, मुझे मेरे परिवार को भी कोरोना मुझे भी हो गया, तो इस वजह से चलती गई। लेकिन ये ऐसी आकांक्षा है जिसे मैं पूरा ज़रूर करूँगा। और इतनी फिल्में मैंने देखी हैं और इसके बारे में मैं पढ़ता भी गया, जो प्रसिद्ध किताबें थीं उसको मैंने पढ़ी, खासकर हिंदी की, उसको पढ़ने के बाद। लेकिन मेरे सामने अब समस्या आई कि मैं पिक्चर के बारे में लिखूं तो किस तरह से लिखूं, सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के बारे में लिखूं, उनके डायरेक्टर्स के बारे में लिखूं, उनकी कहानी के बारे में लिखूं, उनको किस तरह से फिल्माया गया उनके बारे में लिखूं, उसको लेकर किस तरह की दिलचस्प घटनाएं हुई उस तरह से लिखूं। एक बहुत बड़ा ये कैनवस है और मुझे लगता है कि हमारा जो हिंदी दर्शक है, मुझे इसलिए लगता है कि अब फिल्म देखने में भाषा कोई बाधा नहीं है। अब तकनीक तो ऐसी आ गई है कि आप उसको डब करके देख सकते हो, आप देखते होंगे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सब में सब टाइटल के साथ आप पिक्चर देखते हो, है ना। तो मैं भी जो जितनी फिल्में मैंने देखी हैं वो मैंने सब टाइटल के साथ ही देखी हैं, क्योंकि स्वीकार करने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि वो जो उनका उच्चारण है
अलग, इंग्लिश उच्चारण, फ्रेंच उच्चारण, अमेरिकन उच्चारण, ये सब बिल्कुल अलग हो जाता है और वो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं। पिक्चर आप देखें और पिक्चर आप समझ नहीं पाएँ तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने सारी पिक्चर सब टाइटल के साथ देखी है। इस लिहाज से विदेशी फिल्में देखना हमारे भारतीय दर्शक के लिए बिल्कुल भी कठिन काम नहीं होने जा रहा है। हमारे दर्शकों को चाहिए कि वो विदेशी फिल्मों का झरोखा उनके सामने खुले, उनकी अपनी भाषा में खुले और उसको देखें, और यदि उसके बारे में उनको पहले से ज्ञान होगा। मैं ये भी स्वीकार कर लेता हूँ कि पिक्चर देखने से पहले मैं उस पिक्चर के बारे में पढ़ लेता था, अच्छी तरह से जानकारी ले लेता था, क्योंकि विदेशी फिल्मों का जो ग्रामर होता है वो हिंदी फिल्मों के ग्रामर से बिल्कुल अलग होता है। उसको आप किस तरीके से समझते हैं, भाषा तो चलिए ठीक है, सबटाइटल से आपने देख लिया, लेकिन यदि आप उस पिक्चर को पहले से पढ़ उसके बारे में जानकर रखेंगे, या कुरासोवा की फिल्में हैं या हमारे सत्यजीत रे की फिल्में हैं, किसी की भी फिल्में, नए से नए डायरेक्टर्स हैं, उनके बारे में यदि आप पहले से जानकर रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस पिक्चर में हम कहाँ अटक सकते हैं, आपको पहले से मालूम रहेगा। अब तो आप पिक्चर को रिवाइंड करके और फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं यदि आप कहीं अटक गए। पिक्चर को एंजॉय करना है यदि आपको, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस पिक्चर के बारे में पहले से पढ़ लीजिए। उस पिक्चर में किसने काम किया, किस डायरेक्टर ने बनाई, किस पृष्ठभूमि में बनी, किस देश में बनी, उसको लेकर कितनी रोचक घटनाएं हुई, है ना। क्योंकि मैंने अंदाज लगाया है कि कम से कम 500 फिल्में विश्व में ऐसी हैं जिसे कि विश्व के किसी भी दर्शक को किसी भी हालत में देखना चाहिए अपने जीवन काल में। मैंने करीब 2.5 से 3 हज़ार फिल्में टोटल मिला के देखी होंगी विश्व सिनेमा की। कोई भी व्यक्ति ये लक्ष्य बना ले कि मैं इस महीने में 5 या 10 फिल्में अवश्य देखूंगा विश्व सिनेमा की, तो अपने जीवन काल में वो लक्ष्य आराम से पूरा कर सकता है।